बींग ऑन द टू व्हील्स इट्स just pure love. जब आप छोटे होते हैं तो आप बाईसाइकिल चलाते हैं लेकिन आ, उस उम्र में वो बाईसाइकिल जो है वो एक मोटरसाइकिल का ही मज़ा दे रही होती है फिर वक्त के साथ साथ जब आप बड़े होते हैं तो आप ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं और अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं शौक़ को लेकिन जब ज़िंदगी की थोड़ी मसरूफियात और रंग पक्के हो जाते हैं तो मैंने ये देखा है कि जिसने भी बचपन में साइकिल चलाई है उसको बड़े हो के उम्र के और ज़िंदगी के किसी हिस्से में आके ये ज़रूर महसूस होता है कि वो दो पहिए वो मिस करता है मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही था बचपन में साइकिल बच्चों को चलाते देखते थे तो बहुत अजीब सा लगता था क्योंकि हमारे पास साइकिल होती नहीं थी तो हमने अपने वाले साहब से कहा था कि हमें साइकिल चाहिए तो वाले साहब ने कहा कि जब फर्स्ट आओगे तो दिला के दूंगा तो हमने उनको कहा कि अगर नहीं दिला के तो ऐसी दे तो ऐसे ही बता दें खैर जब सोए उसके बाद दो तीन दिन बाद महसूस हुआ कि जब तक फर्स्ट नहीं आएंगे साइकिल नहीं मिलेगी तो दिन रात मेहनत की बग़ैर ट्यूशन के पढ़ाई की और उसके बाद हम अल्लाह मियाँ की मदद से फ़र्स्ट आ गए वो मेरी ज़िंदगी की साइकिल थी पहली और वो मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ थी मुझे अभी भी याद है कि हम ब्लैक और वाइट टेप लेके उसको पतला पतला काट के उसकी ब्रेकों की पाइप के ऊपर ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट लगाते थे और वो बिल्कुल वही फीलिंग थी जिस तरह एक दुनिया की फ़र्स्ट क्लास मॉडिफ़िकेशन हो रही है साइकिल चलाई वो एक ही साइकिल थी मेरी ज़िंदगी की और एक दिन हम बाहर निकले और वो साइकिल नहीं थी वहाँ खैर बहुत रोए वाले साहब को बताया और बात ख़त्म हो गई उसके बाद हम बड़े हो गए कोशिश करते रहे ज़िंदगी को समझने के चक्कर में कि किसी ना किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके हम एक्टर बने और ज़िंदगी के रंग सामने आना शुरू हो गए उस रंगों में एक रंग था जो शायद उधर था तो लेकिन मुझे नहीं पता था वो रंग था मोटरसाइकिल का और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगता था मैं बड़ा हो गया मोटरसाइकिल चलाऊँगा लेकिन जब मैं बड़ा हो गया और एक दिन हमारे दोस्त आए और उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें बाइक पे लेके चलता हूँ तो खैर मैं बाइक पे पीछे बैठा हमने एक राइड की और वो जो हवा जब पहली बार मेरे मुँह पर लगी तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे मैं बचपन में आ गया हूँ वो खुशी वो मज़ा वो बिल्कुल वही था जो मैं अपने बचपन में एक साइकिल पर बैठ के लेता था उस बाइक से उतरने के बाद मेरे दिल ने मुझे ये बात बताई कि मुझे दो पहियों की वापस से ज़रूरत है एंड आई नीड टू गेट ऑन द मोटर एज सोन एज़ पॉसिबल आ, मैंने फ़ौर से पैसे जमा किए और मैंने एक बाइक ली बाइक लेने के बाद मैंने उस वक्त तो ये सोचा कि मैं छोटी सी बाइक ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं लेकिन जैसे जैसे मैंने बाइक चलाई सीखी वक्त गुज़रता गया माइल्स गुज़रते गए शहर के शहर गुज़रते गए तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि महंगी बाइक ज़्यादा मज़ा नहीं देती और सस्ती बाइक कम मज़ा नहीं देती बाइक के लिए बाइक का होना ज़रूरी है तो अगर आप दो करोड़ की बाइक पर बैठें और आपके साथ अगर कोई अपनी अट्ठाईस हज़ार की बाइक पे भी आ रहा है तो मुझे ये लगता है कि आप दोनों को इक्वल मज़ा आ रहा होगा आपकी बातें अलग होंगी लेकिन वो मज़ा वही होगा तो उस बाइक को मैंने दो तीन साल चलाया फिर मैंने टूरिंग की तरफ आ गया मैंने बड़ी बाइक ली जब बाइक छोटी होती थी जाहिर सी बात उसका वज़न कम होता था तो हम भगाते फिरते थे ऐसा महसूस होता था जैसे कि हम कोई मैजिशन है और दुनिया हमारे लिए बाहर निकली हुई है सड़कों पे निकलते थे लोगों को रोकते थे जब हम ग्रुप राइड पे आते थे तो मैं मार्शल होता था तो लोगों को साइड पे भी करते थे तो ऐसा महसूस होता था जिस तरह ये बाइक जो है ना वो मैजिशन की स्टिक है जिससे मैं अपना मैजिक दिखाते दिखाते दस बारह पंद्रह बीस लोगों की राइड को लेता हुआ जा रहा हूँ वो फीलिंग मुझे मजबूर करती थी कि जब भी राइड की कॉल आए तो मैं बाहर निकलूँ और राइड करो खैर ये बहुत अर्सा किया हमने फिर हम टूरिंग की तरफ आए तो टूरिंग की तरफ़ आने के बाद मैंने महसूस किया कि उस बाइक ने मुझे बहुत मिचोर कर दिया आ, मेरी सोच तब्दील हो गई मेरा बाइक चलाने का टेम्पो बदल गया आ, जो बातें हम देख के कहते थे कि ये तो बुढ़े बाबू का काम है वो महसूस ये हुआ कि वो बूढ़े बाे का काम नहीं था वो ज़िंदगी के ठहराव का काम था तो जब हमने टूरिंग बाइक ली तो हमने टूर्स करना शुरू किया और इसी तरह एक दिन मुझे ये महसूस हुआ कि अब मैं बाइक भी चला रहा हूँ वो मज़ा भी है वो खुशी भी है लेकिन अब क्या है मेरे अंदर कमी तो कमी के साथ एक बहुत पुराने राइडर हैं उनके साथ मैं बैठा और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें अकेला जाने की ज़रूरत है खैर मैंने उनसे पूछा कि अकेला मैं कहाँ जा सकता हूँ तो उन्होंने कहा तुम्हारा जहाँ दिल करे तुम जा सकते हो और जब तुम अकेले निकलोगे तो तुम अपने आप को जान जाओगे और इसी तरह मैं बस मैंने बाइक पैक की मैं बाइक पे बैठा और बारिशें हो रही थी और मैं कराची से निकल गया रास्ते में महसूस ये हुआ कि बाइक मेरे लिए क्या क्या करती है सबसे पहले चीज़ कि मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरी बाइक उसको बूस्ट करती है दूसरी चीज़ कि हवा से जब आप लगातार लड़ रहे होते हैं तो आपको एक वक्त के बाद एक वॉरियर वाली फ़ीलिंग आने लग जाती है जितनी ज़ोर से हवा का प्रेशर लगता है कि आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं और आप लड़ते हुए जा रहे हो उस हवा से सो दैट फीलिंग वो जो एक वॉरियर वाला आप स्ट्रेंथ लगा रहे होते हैं अपनी आँखों का फोकस रखते हैं उसने मेरे अंदर मेरी स्ट्रेंथ बिल्डअप की अकेले निकल के ये भी सीखा कि ज़िंदगी में आए तो अकेले थे तो अकेले रहने में भी एक मज़ा है मैं निकला बारिश हो रही थी कीचड़ में से भी गुज़रा बहुत सारे लोग मिले और सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि जब जब शहर करीब आता था और दीवारें पक्की हो जाती थीं तब तक मैं ये देखता था कि दीवारें जब पक्की होती हैं तो लोगों के दिल कच्चे हो जाते हैं और जब आप शहर से निकल के उस कच्चे घरों में जाते थे तो महसूस ये होता था कि घर कच्चे हैं लेकिन दिल पक्के हैं लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं गाड़ी पे आया होता तो ये वाली फ़ील ना होती वो मुसाफिर वाली फ़ील ना होती मैं इन जगहों पे नहीं रोकता बाइक पे बैठने के बाद आपको उसी एग्जैक्ट गली में एक नई चीज़ नज़र आती है जिससे आप शायद बचपन से गुज़रते हो क्योंकि आप हर एक पौधा हर एक पत्ता मतलब हर एक छोटी सी छोटी चीज़ आपको नजर आती है वहाँ से गुज़रते मैंने वो पूरा पाकिस्तान टूर किया मैंने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया गाड़ी पे लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कभी किया ही नहीं है यहाँ से मुजफ्फराबाद जाना और पूरा पाकिस्तान घूम के वापस आना मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये मुल्क कभी देखा नहीं था उस चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया मैं बहुत रोया रस्ते में मैंने मैंने दुआएं मांगी रस्ते में और वाकई में मैंने अपने आप को वहाँ पाया बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पास उसकी तस्वीरें इतनी नहीं हैं या कुछ नहीं है तो मुझे ये था कि क्योंकि मुझे अपना आप मिल गया तो मुझे अब उन तस्वीरों की ज़रूरत नहीं है तो ये है मेरी ज़िंदगी में मोटरसाइकिल लोगों से मैं भागता फिरता हूँ इतनी ज़िंदगी जीता नहीं हूँ लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत प्राइवेसी वाला आदमी हूँ मैं किसी पब्लिक जगहों पे नहीं जाता मैं पार्टियों पे नहीं जाता दावतों पे नहीं जाता वो इसलिए क्योंकि मैं ज़रा दुनिया से भागता हूँ और उस दुनिया से भागने के लिए वो जो कहते थे ना कि काश काश मेरे पास दो पर होते तो मैं उड़ जाता तो ऐसा लगता है अल्लाह ने वो मेरी दुआ सुन ली और मुझे ये दो पर की जगह दो पहिए दे दिए जिस जिसमें मैं बैठता हूँ और दुनिया से भाग जाता हूँ मैं जितना दूर जाता जाता हूँ शहर से मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वो जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए ना कि इन दीवारों में इन लोगों में जहाँ लोग सिर्फ भाग रहे हैं और जीने का किसी को नहीं पता वो फीलिंग के लिए मैं हफ़्ते में दो से तीन बार अकेले राइड करता हूँ मैं दूर जाता हूँ एक खाली रोड पे बैठ जाता हूँ कहीं भी बैठ जाता हूँ लेकिन सांस लेता हूँ इस मोटरसाइकिलिंग uh, कल्चर ने मुझे सांस लेना सिखाया है मुझे अपने आप को जानना सिखाया है और मुझे ये बताया है कि जहाँ इतनी हबड़ दबड़ है वहाँ एक सुकून जो है वो खामोशी में भी है मुझे पता नहीं है कि अब ज़िंदगी के क्या हालात रहेंगे लेकिन दिल के अंदर इतना ज़रूर पता है कि जब तक मैं ज़िंदा रहा मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन के हमेशा मेरे मुंह पे मुस्कुराहट आई और इस मुस्कराहट के लिए मैं पूरी ज़िंदगी ये ज़रूर चाहूँगा कि कुछ ना कुछ करके कैसे भी मैं एक मोटरसाइकिल ले लूँ